तू बोला तू तो पहला। आवर आदाब अभिनंदन आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों, 1.5 महीने पहले मैंने इन्हें ऑर्डर दी थी चप्पल बनाने के लिए। 1.5 महीने बाद अभी इनके पास आया हूँ और अभी मेरी ये चप्पल बनकर एकदम तैयार है। इतना ज़बरदस्त काम किया है दोस्तों इन्होंने, बस आज दिल जीत लिया इन्होंने मेरा। आइए, इन्होंने किस तरह काम किया है, क्या कला दिखाई है चप्पल में, आइए दिखाता हूँ। खास शादी के फंक्शन के लिए दोस्तों हमने चप्पल बनवा ली है। ये आप पहले देख लिया, देख लीजिए, ये दूल्हे राजा की चप्पल। ये देखिए इस पैटर्न को ना, शुरगुप्पी पुनेरी महाराजा पैटर्न नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी मैंने इसी चप्पल का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें जानकारी दी है इस पैटर्न के बारे में। और ये रही हमारे कैमरामैन विशाल भाई की, देखिए क्या लाजवाब चप्पल बनी है दोस्तों, है ना, 13 नंबर की चप्पल है दोस्तों ये महाराजा। ये जो अंगूठे के ऊपर पान लगाया ना, ऐसा पान 4 फुट 6 इंच की जो चप्पल बनी थी उस पर भी लगाया गया था, सेम टू सेम वैसा पान है दोस्तों। ये देखिए साइड से ये वेनी भी लगाई है ना। ये लेफ्ट पैर हुआ, ये देखिए ये राइट पैर, इस पर नाम भी लिखा हुआ है भाई का, विशाल सिंह, है ना, ताकि भाई की और मेरी चप्पल की पहचान सही से हो, इसलिए चप्पल पर नाम लिखा है। अब ये मेरी देखिए दोस्तों ये चप्पल, ये भी चप्पल का काम पूरा हुआ है। इस पैटर्न को ना इनके गांव के नाम से जाना जाता है, शिरगुप्पी, और इस पट्टे को पुनेरी, और ये जो शेप है सामने महाराजा, शिरगुप्पी पुनेरी महाराजा टाइप ये चप्पल है। देखिए इस पर मेरा नाम लिखा है सतीश, है ना। अब ये चप्पल पर नाम क्यों लिखा है आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो हम दोनों की चप्पल बनी है ना भाई के, सेम टू सेम है। देखिए कुछ फर्क दिखता है क्या, डिफरेंस कुछ तो है इसमें, एक ही डिफरेंस है इसमें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक भी नहीं लगी है, और मेरे चप्पल पे जो है ना 2 भी नहीं लगे हैं। ये देखिए ये 2 विनी की चप्पल मेरी है, और ये सिंगल विनी की चप्पल जो है ये भाई की है। दोनों के साइज सेम है इसलिए पहचान में आ जाए, इसलिए चप्पल पर नाम लिखा गया दोस्तों। इन चप्पल्स को बनाने के लिए पूरी तरह हमारे लोकल लेदर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका कलर एकदम देख सकते हो दोस्तों, एकदम ये नेचुरल कलर है, इस पर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं लगाया गया है। जो हमारा लेदर टैनिंग बनता है ना चमड़ा, उसी का कलर है दोस्तों, ये एकदम नेचुरल कलर है। आप देख सकते हैं कितना काम बढ़िया हुआ है चप्पल का, सच में लाजवाब, अद्भुत, अप्रतिम, अविश्वसनीय काम हुआ है दोस्तों इनका। दोस्तों इस चप्पल के पट्टे पर जो विनी लगी है ना, ये देखिए ये बारीक विनी, ठीक 8 विनी लगे हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 विनी की ये चप्पल है दोस्तों। और इसके बॉर्डर से भी देखिए ये लेदर से लेस वाली सिलाई की गई है, ये देखिए लेस वाली सिलाई कहते हैं इसे दोस्तों। इस चप्पल का फिटिंग का काम भी पूरा हो चुका है, कल मैं आकर इनके पास साइज़ के हिसाब से इनसे फिटिंग करवा ली थी, और आज जो है इन्होंने पूरा काम करके दिया है। अभी ये चप्पल पहनने के लिए एकदम तैयार है दोस्तों। अगर हम जैसा चाहे वैसा काम हो तो कितना अच्छा लगता है ना, आज भी वैसा हुआ है मेरे साथ। मैंने जितनी इनसे उम्मीद रखी थी उससे भी ज़्यादा, उससे भी बढ़िया इन्होंने काम करके दिखाया है। सच में इन्होंने आज दिल जीत लिया दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने दोस्तों। अगर आपके पास कुछ शब्द हो बयां करने के लिए इनके लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर कोल्हापुर चप्पल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना योद्धा।